अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज मोहम्मद फैजान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीम तक यूट्यूब चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे पिछले एक माह से मैंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोज़ बनाई नो no डाउट मुझे तमाम यूज़र्स जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा बहुत अप्रिशिएट किया एफर्ट को और तमाम वो चीज़ें जो मैंने उनको बताई जिसके जरिए वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप को कन्वर्ट कर सके टेम्प्रेरी टू परमानेंट लेकिन इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी ऐसे और लोगों को एक्सपीरियंस किया कि जिन लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर ऐसे डिप्लोमास जो है वो अपलोड कर रखे थे जिनकी वजह से उनकी मेंबरशिप को रिजेक्ट कर दिया गया उनकी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया कई लोगों के तो मैंने ऐसे भी अकाउंट देखे जिसमें मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया आखिर ये क्या वजूहत है जिसकी ऊपर सऊदी काउंसिल ऑफ़ इंजीनियर्स ने मतलब किसी की मेंबरशिप को रिचेक्ट कर दिया ये बहुत बड़ी बात है सऊदी काउंसिल ऑफ़ इंजीनियर्स एक बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन सारी होती हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन और यानी कि नॉन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है यानी कि बड़े अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं जो हैंडलर्स हैं अब क्या चीज़ें खुल के सामने आई मैंने पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे जो है वो नैटेक जो इदारा है उनके कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट उन से उनसे राबता किया उन्होंने मुझे हेल्प किया और बाकायदा तौर पे मुझे कुछ ऐसे एविडेंस प्रोवाइड किए जो मैं इस वीडियो के अंदर अभी लगाने वाला हूँ जिसके रिगार्डिंग आपको ये बात पता चलेगी कि वो कौन से लोग हैं जो लोगों के कैरियर्स के साथ खेल रहे हैं और उनके लिए परेशानियाँ बन रही हैं याद रखें कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर मुक्म हैं वो कोई भी भारी अमाउंट देने को तैयार हैं गेन करने के लिए लेकिन क्या आपको वाकई वहाँ से डिप्लोमास मिल जाते हैं इस तरह बिल्कुल ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है ये ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक जगह के ऊपर तलीम हासिल ना की हो या वहाँ पे फिज़िकली मौजूद ना हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे इदारे के लोग होते हैं जो आप मतलब नेवटेक का या टेवटा का नाम यूज़ करके डिप्लोमास प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो डिप्लोमास जो हैं ओरिजिनल नहीं होते उनका बैक एंड पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स जब वेरीफ़िकेसन का प्रोसेस करती है ये आ, थ्री स्टेप्स होते हैं वेरीफिकेसन के जिसमें वो सबसे पहले जो है उस इदारे का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं सेकेंड में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर को कॉन्टैक्ट करते हैं थर्ड में वो उस इदारे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी ऐसे वेरिफिकेशन सेंटर के थ्रू जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के मातहत होता है लेकिन ये लिंक होता है सऊदी हुकूमत के साथ जो ये इन्फो प्रोवाइड करता है कि आया कि इस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये वहाँ पर फिजिकली मौजूद था अब वो मौजूद था या नहीं था ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उस इदारे ने जहाँ से उसने डॉक्यूमेंटेशन या वो डिप्लोमा या एक्वाड डिग्री हासिल की है डिप्लोमा के वाले से थोड़ा सा बता दूं कि कौन से डिप्लोम एक्सेप्टेबल हैं मोस्टली जो मैंने केसेस देखे हैं टू ईयर्स डिप्लोमा इज एक्सेप्टेबल इन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स और इंडियंस और बांग्लादेशी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रियाद में देखने को मिले जिसमें बांग्लादेशी एक पूरा ग्रुप था जो लोगों को डॉक्यूमेंट्स बना के दे रहा था इंक्लूडेड पाकिस्तानी इंडियंस तब इवन दैट मैंने देखा कि कोई इजिप्शियन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आती या तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जो परफॉर्म कर रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ नंबर वन मैं आपको बता दूं कि कोई बंदा जो आपको 10 से पंद्रह हज़ार रुपया ऑफर कर रहा है और इसमें आपको डिप्लोमास बना के दे रहा है मैं कुछ लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सेंटर्स के नाम जो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जिसके अंदर बाकायदा तौर पर उन इदारों के नाम मेन्शन है जिनको नेवटेक पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का जो इदारा है नेशनल वोकेशनल उन लोगों ने इनको बैन किया है बाकायदा तौर पर और इन अदारों से कोई भी बंदा अगर आपको कहता है कि वो आपको कोई एविडेंस देता है कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये बैक एंड के ऊपर वेरीफाई हो जाएंगे तो वो बिल्कुल एक तरह की बकवास कर रहा है ये मेरे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन बेसिकली इदारा है पाकिस्तान का और इन लोगों ने पांच ऐसे इदारे हैं जिनको बैन किया है नंबर वन पे आप देखें कि स्टार्ट करते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स कंफर्ड अपॉन नैफ्टेक बाय द पार्लियामेंट थ्रू एक्ट नंबर एक्स वी टू एंड सब्सिकुन क्लॉज ये आगे उसके सारे जो हैं वो लॉ लिखे हुए हैं नैफ्टेक इज़ दथोराइज नेशनल बॉडी फॉर रेगुलेटिंग द डोमेन ऑफ टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन नीचे ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है अब हमारी जो मेन इसमें बात अभी है कि इन दिस कनेक्शन नैपटेक हैज आइडेंटिफाइड सिक्स और फाइव मोर फेक ऑर्गेनाइजेश अवेयरनेस तो नंबर वन पे प्रोफेशनल स्किल एजुकेशन काउंसिल पी एस ई सी नंबर सेकेंड पर एजुकेशन काउंसिल टी टी ई सी एबदाबाद में है ये और इकरा एजुकेशनल एंड टेक्निकल काउंसिल ये बहुत ज़्यादा 800 से ज़्यादा डिग्रीज़ जो हैं इन लोगों की पकड़ी गई हैं और जिन लोगों ने इनसे डॉक्यूमेंटेशन हासिल किए हैं 15 से बीस हज़ार फकत उन्होंने लिया है मुझे आप बात बताएं जितने वॉचर्स हैं 15 से बीस हज़ार रुपये में कौन सा ऐसा इदारा है जो आपको पूरा सब कुछ करवा के दे रहा है कोई भी नहीं है सर ये फेक है नंबर फोर पर जो है फिर इकरा एजुकेशन एंड टेक्निकल काउंसिल पंजाब एक से उनको मेरा मतलब लितर पोला हुआ है तो वो उन्होंने दोबारा एक नया जो प्लेटफॉर्म बनाया उसको लिखा है काउंसिल ऑफ़ पंजाब पाँच है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इस्लामाबाद ये पाँच इदारे जो हैं इन लोगों को सीज़ कर दिया गया बंद कर दिया गवरमेंट ऑफ पंजाब ने और यहाँ से फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे क्योंकि इनका बैक पे रिकॉर्ड कोई नहीं है तो ये मुख्तु मख्त गाँव कस्बों के अंदर बैठ के ऑपरेट उप्रे, कर रहे हैं और फेक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बना के दे रहे हैं ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पे था आपके पास भी वहाँ पे ये ऐड कर दिया आप लोग देख सकते हैं ये ऐड रहेगा दो तीन मिनट कन्वर्सेशन में अब हल क्या है जिन लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो वो क्या करें उनके लिए भी कुछ आ, चीज़ें हैं कि वो लोग थोड़ा सा वेट करें सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स माइड भी हो सकता है कि उनको री कर दें और वहाँ पे वो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सके लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया और इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि लोगों में अवेयरनेस आए लोगों को पता चले कि ये जो पांच इदारे हैं जो नैटेक ने बैन किए हैं इनसे आप किसी किस्म की कोई डील नहीं कर सकते इनको आप कोई पैसे दे के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में ये दो इदारे जो मैंने आपको बताए हैं जिनमें सर फरिस्त इकरा है और दूसरा पंजाब जो है कौंसिल बोर्ड इन लोगों को तो बाकायदा तौर पर बैन किया है इवन सऊदी काउंसिल ऑफ़ इंजीनियर्स को अब ज़ाती तौर पर पता लग चुका है कि ये इदारे बिल्कुल जो हैं वो वो बोगस इदारे हैं और यहाँ पर लोगों ने लिए हैं अब इसके नुकसान क्या हैं देखें इसके ऊपर कोई हतनी बात नहीं हो सकती लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स इन लोगों को सस्पेंड करने जा रही है इन फ्यू डेज़ जिन लोगों ने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो हैं ले के अपलोड किए क्योंकि इनकी जो फेक फेकनेस है वो सबके सामने आ चुकी है मजीद जो लोग हमारे वेरीफाइड uh, मेंबर्स बने हैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरीफिकेशन हासिल की है सर्टिफिकेशन हासिल की है और उन लोगों के लिए मैं दुआ हूँ कि जिनके साथ ये मामला पेश आ चुका है uh, दोनों पार्टीज जो मेबर सर्टिफाइड हो चुके हैं वो भी कामेंट्स करें और जो लोग uh, इस प्रॉब्लम में फंसे हैं वो भी कामेंट्स करें इन हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को प्रोवाइड करें और वहाँ से लोग जो हैं सर्टिफिकेशन हासिल कर सकें और वो अपने सऊदी काउंसिल ऑफ़ इंजीनियर्स के पोर्टल पे अपलोड करके वहाँ से सर्टिफाइड हो सकें मज़ीद यहाँ पर मैं एक चीज बता दूँ कि जिन लोगों के पास सी सी एन ए सी सी एन पी के भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग भी सर्टिफिकेसन हासिल नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो हर वो डिप्लोमा या डिग्री जो आपने ऑनलाइन ऑबटेन की है उसके ऊपर आपको सर्टिफिकेशन हर गिज़ नहीं मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है तीन इसके स्टेप हैं इसके थ्रू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स जो है वो इसको सर्टिफाई कर रहा है मिनिस्टर फॉरन अफेयर्स एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका ऑनलाइन जो आपका अदारा है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर थर्ड वन जो है वो पाकिस्तान में एक किसी सर्टिफाइड इदारे के थ्रू जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्सूमत या सऊदी अरब इसके साथ लिंक है और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन के भी थ्रू हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट है तो प्राइवे प्राइवेसी में होते हैं सारे काम तो इसको हम खोल के भी मैंने आपको बता सकता लेकिन ये तीन ऐसी चीज़ें हैं ये कंफर्म है तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे पुराने यूज़र्स हैं वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर को मैंने एक चीज़ मिस कर दी हो और जो लोग चैनल पे नए आ चुके हैं वो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अपनी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर की मेंबरशिप के रिगार्डिंग के मैं जो है आज कल में शायद आज ही अपना जो है मेंबरशिप कार्ड जो है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का अप्लाई करने जा रहा हूँ और मैं उसके बारे में बताऊँगा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें अल्लाह के कहाान पाकिस्तान जिंदाबाद फाइंदाबाद गुड बाय